18 फरवरी को दिल्ली में आयोजित हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए। रुंधे गले से उन्होंने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत क्षति है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण का शोक मौन रूप में दिल्ली में गूंज गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब संबोधन देते हुए पहले आचार्य श्री के समाधि की सूचना देते हुए एक मिनट का मौन सभा में घोषित किया और फिर चारों ओर शोक मौन पसर गया। सबके लिए ये सूचना स्तब्ध करने वाली थी। आचार्य श्री गुरुवर के लिए रखे गए मौन के बाद देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आचार्य श्री को याद करते हुए गला रुंध गया। प्रधानमंत्री महोदय ने आचार्य श्री के देवलोक गमन को अपनी व्यक्तिगत क्षति बताया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 पूज्य विद्यासागर जी महाराज को श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद उनके अनुयायी शोक में हैं, हम सभी शोक में हैं और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री महोदय भावुक हो गए और बोले कि मुझे पता नहीं था कि मैं दोबारा आचार्य श्री के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। आचार्य श्री के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से मुझे कई संतों का सानिध्य मिला। आपको आश्चर्य होगा कि दिगंबर चर्या को ना जानकर भी मैं उनसे कितना प्रभावित था। मुझे देश के गणमान्य आध्यात्मिक मूर्तियों के निकट रहने का, उनके आशीर्वाद पाने का अवसर रहा है और इसलिए मैं उस आध्यात्मिक जगत की उस शक्ति को भलीभांति जानता हूं, समझता हूं, अनुभव करता हूं। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि वे तो दिगंबर परंपरा से थे, उनका जीवन कैसा होता है हम जानते हैं। आचार्य श्री के विराट आध्यात्मिक व्यक्तित्व से मिली प्रेरणा को भी प्रधानमंत्री महोदय ने गौरव के साथ बताया। उसका एनालिसिस करके मुझे उनका संदेश आता था, यानी कितने जागरूक थे। और अपनी विराट आध्यात्मिक यात्रा और उसके बाद भी वो हम सबको हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं, जीवन भर उतनी सौम्यता के साथ उनका लोगों को मिलना। संबोधन में आगे श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे यकीन है कि आचार्य श्री का व्यक्तित्व हम सब के लिए एक संकल्पित प्रेरणा के रूप में जीवंत रहेगा। उनका पूरा जीवन उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा जैसा है जिसने गरीबों और वंचितों के लिए काम करने का संकल्प लिया है। आज जब भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, मुझे विश्वास है कि उनके सिद्धांत और उनका आशीर्वाद ऐसे ही भारत भूमि को प्रेरणा देता रहेंगे।
आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज का ये मौन शोक समूचे विश्व के कोने कोने में पसरा था। करोड़ों की संख्या में गुरु भक्तों की श्रृंखला में राजनीतिज्ञों की भी आचार्य श्री प्रेरणा बन गए। जैन फोकस के लिए दिल्ली से ब्यूरो रिपोर्ट।